अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज की गाइस हमारी जो वीडियो है वो वीडियो है कि आप रोबलेट को किस तरह से कट कर सकते हैं और कट करने के बाद जो कनेक्टर्स होते हैं उनको हम किस तरह से रोबलेट के ऊपर लगा सकते हैं। क्योंकि बेसिकली मसला ये आता है कि ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता है जो कि इस टाइम के लिहाज से बहुत कॉस्टली है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप खुद भी सीख सकते हैं और खुद से अपने घर में अप्लाई भी कर सकते हैं। सो अभी स्टार्टिंग के लिए आपको सिर्फ एक कनेक्टर चाहिए और एक रोबलेट, जिस तरह आप मेरे हाथ में ये कॉइल देख सकते हैं। सो आप गाइज ये थोड़ा सा इसको जूम करके क्लोज जाकर अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो छोटी छोटी सी वायर्स के कॉर्नर नज़र आ रहे होंगे। बेसिकली ये जो कनेक्टर की पिन्स हैं आपने इनको इस जो वायर्स निकल रही हैं इनके साथ अटैच करेंगे तो ये लाइट जो है ये ऑन हो जाएगी। लेकिन इसको आपने करना बहुत एहतियात से है। अगर ये तारें, अगर ये जो पिन्स हैं, अगर ये तारों के साथ ना लगे तो ये एकदम स्पार्क भी कर सकती है। तो गाइस सो बड़ी एहतियात के साथ आपने इसे करना है और कोशिश करें कि साथ आप सीरीज़ यूज़ कर लें। जिस तरह हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं इसका फ़ायदा ये है कि ये जो अगर कोई ब्लास्ट वगैरह या कोई स्पार्क होता है तो ये इसको स्पार्क होने से बचा देती है और ये बल्ब जल जाता है। तो सेफ्टी जी सबसे पहली चीज़ है, और अगर खुद से आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो सेफ्टी को सबसे पहले आपने देखना है, क्योंकि हमारा तो ये काम है लेकिन फिर भी हम एहतियात से काम चलते हैं करते हैं। सो अभी गाइस ये जिस तरह आप देख सकते हैं ये दो पिन्स हैं, और ये एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो कनेक्टर्स हैं ये सिर्फ वन साइडेड चलते हैं। मतलब अगर आप एक रुख पे लगा रहे हैं ये तभी ऑन होगा, अगर आप इसका रुख चेंज करेंगे तो ये जो है रोब लाइट है ये ऑन नहीं होगी। ठीक है जी, तो सिंपली आपने ये करना ही है कि ये दोनों पिन जिस तरह आप देख सकते हैं इस तरह से ये आपने पिन जो है वायर वाले जो साइड है वहाँ पर इंसर्ट कर देनी है। ये थोड़ा सा जोर लेगा लेकिन ये है कि एक दफ़ा अपने इसे इंसर्ट कर देना है। ठीक है जी, अब इसे हम ऑन करके देखते हैं। सो गाइस ये जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये रोबलेट जो है ये ऑन हो चुकी है। और अगर इसी तरह मैं इसको एक तजर्बे के लिए आपको दोबारा से दिखाऊं और हम इसको दूसरी साइड से लगा कर देखते हैं ये ऑन होती है या नहीं, तो आपने इसको उसी तरह करना है, ये उसी तरह ही जो पिन हैं वो इंसर्ट कर देनी है। अगर आप दोबारा लगाएंगे तो ये लाइट ऑन नहीं होगी। सो बेसिक सा ये तरीका का है, और इसको करने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है इसकी टेपिंग। जब भी आपने इसको इस कनेक्टर को लगाना है इसकी टेपिंग आपने लाजमी करनी है, क्योंकि ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ है। बाज़ टाइम इसकी स्पार्किंग हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि सीलिंग में क्या मसला आ रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है। दूसरी वजह ये होती है कि ये जो टेपिंग आप इसके ऊपर करेंगे वो आपकी रोबलेट भी सेव करेगी। सो गाइज आपने इसी तरह इस पर टेपिंग कर देनी है जी, थोड़ी सी आप टेपिंग कर इसको आप सेव कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है जी, थोड़ी सी आप टेपिंग कर दें, ये है कि इसकी इंसुलेशन हो जाएगी और ये इन फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। सो अब जी हमारा नेक्स्ट स्टेप है जी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आपने रोबलेट की कटिंग करनी है तो आप उसे खुद से किस तरह कटिंग कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस आपने ये देखना है कि ये जिस तरह एलईडीज चल रही हैं, एक ये सीरीज है एलईडीज की जो सारी सीरीज आपको नजर आ रही है, ये जिस तरह एलईडीज आप देखते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर जाके आपको एक ब्लैंक स्पेस मिलेगी। अब ब्लैंक स्पेस के अंदर आप देख रहे हैं थोड़ा सा गैप भी मिलेगा आपको, ये सब वो रोबलेट में होगा, चाहे वो रोबलेट सिंगल एलईडी है, डबल एलईडी है, कोई भी एलईडी की टाइप होगी रोबलाइट की, तो उसमें ही आपको एक मार्जिन वाला गैप थोड़ा सा मिलेगा। तो आपने सिंपली करना ये है कि आपने इसकी यहाँ से जाकर और यहाँ से कटिंग करनी है, लेकिन कटिंग करते हुए आपने बड़ी एहतियात करनी है कि ये जो सर्किट लगे हैं इनके सेंटर में आपने जाके कटिंग करनी है। अगर आप यहाँ से कटिंग करेंगे या अगर यहाँ से आप कटिंग करेंगे तो ये स्पार्क होगा और आपका जो रोबलेट का जितना पार्ट है इससे नेक्स्ट वो सारा ज़ाया हो सकता है। तो सिंपली क्योंकि ये यूजुअली करते तब है जब एक रोबलेट के अंदर गैप आ जाता है, एक मीटर का जो पार्ट है वो ख़राब हो जाता है, तो उसमें ये हमें करना पड़ता है कि हम फिर उस वाले पार्ट को ज़ाया कर देते हैं और जो नेक्स्ट पार्ट होता है उस पर हम कनेक्टर लगा देते हैं, वो फिर दोबारा से वर्किंग में आ जाता है। तो इसी तरह आपने इसकी कटिंग कर देनी है, कटिंग बिल्कुल एहतियात से आपने करनी है। वायर्स को देखते हुए आप देखेंगे तो आपको वही उसी तरह से जो दो वायर्स हैं वो उसी तरह आपको नज़र आ जाएंगी। तो आपने दोबारा से यहाँ पे कनेक्टर लगा देना। ठीक है जी, कनेक्टर लगा कर आपने इसको देखना है। अब जिस तरह ये अभी ऑन नहीं हो रही, मैंने आपको पहले बताया था कि ये वन साइडेड है, और इसकी मतलब कोई जजमेंट का कोई तरीका कार नहीं है, आपको सिंपली ये लगा कर ही देखना पड़ता है। आपने ये दोबारा से लगा देना,
ठीक है जी। अब जिस तरह आप देख सकते हैं ये रोबलेट। सो गाइस, अगर आप अपने घर के लिए अच्छी रोबलेट बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मेंशन है, वहाँ पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं और आपको फ्री होम डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान भी मिल जाएगी।